फिल्मों मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन किशोर कुमार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। हम सब उनके भक्त हैं, मेरे लिए तो वो भगवान की तरह से हैं, किसी भी कलाकार के लिए होना ही चाहिए। तो उनका एक गाना है, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ यही बताऊँगा, इससे ज़्यादा बोलने का मौका भी नहीं है। उनका एक बड़ा फेमस गाना है, ख्वाब हो तुम या हकीकत, कौन हो तुम ये बतलाओ। तो बिल्कुल ऐसा ही मुझे लग रहा है, ख्वाब है या हकीकत तुम मुझे बतलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मेरी अगली फिल्म आ रही है, मैंने अभी बताया, और उसके बाद दिल्ली फाइल्स आ रही है जो कि कश्मीर फाइल्स के अगला सीरीज है। बहुत कोविड को लेकर भी फिल्म बनाने की बात कही आपने। जी हाँ, वो मेरी अगली फिल्म है, वैक्सीन के ऊपर है, कोविड नहीं, कैसे वैक्सीन बनी उसकी। आज प्रशंसक भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं किशोर कुमार को, जब किशोर कुमार को भारत रत्न मिलना ही चाहिए, और इस मांग में सबसे आगे मेरा हाथ खड़ा है। और आज यह हालत हो गई कि भारतीय सिनेमा में आम आदमी नहीं, आम आदमी के जो विषय है वो नहीं, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार, भारतीय इतिहास नहीं। तब मैंने इस बात का प्रण लिया कि क्यों ना सिनेमा के माध्यम से मैं भारत की जो मूल समस्याएं हैं, भारत का जो एक झुठलाया हुआ इतिहास है, और भारत की जो ये महान सिविलाइजेशन और सभ्यता है, क्यों ना अपनी फिल्मों के जरिए आज के यूथ को इससे प्रेरित कर सकूं। और उसी श्रृंखला में मैंने कास्टिंग फाइल्स बनाई, कश्मीर फाइल्स बनाई, और इसी श्रृंखला में मैं और भी एक दो फिल्में बना रहा हूं। और आज जो ये किशोर कुमार राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन ने दिया है, खंडवा के लोगों ने जो प्रेम दिया है, इससे मेरा मनोबल और उत्साह और ज्यादा बढ़ा है। और मैं आपको वादा करता हूं कि जब तक मैं सिनेमा बना रहा हूं, मैं भारत माँ का नाम ऊंचा करने की कोशिश करूंगा। और जो एक झूठ इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम इतने वर्षों से किया गया है, उस पर सवाल उठा के सत्य को लोगों के सामने की कोशिश करता रहूंगा, और मरते दम तक अपने प्रदेश का, अपनी भूमि का, अपने लोगों का नाम ऊंचा करने की कोशिश करता रहूंगा। अच्छी बात ये बताता हूँ कि आज हम लोग, हमारी प्रोडक्शन कंपनी भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड सिनेमा बना रही है। हमारी हर फिल्म में 3-4 साल का रिसर्च है। मेरी अगली फिल्म में पहली बार ये बात पब्लिकली बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाह रहा था, सोच रहा था तो वक्त आएगा बताएंगे। भारत में 2 साल जब कोविड की समस्या रही, आप सबको वैक्सीन लगी हो, लेकिन शायद आप में से किसी को नहीं मालूम हो उस वैक्सीन को बनाने के पीछे कौन था, और वो किस जद्दोजहद और किस संघर्ष और किस त्याग और तपस्या के कारण रही है। तो उसके पीछे हमारी महिलाएं थी, वो महिलाएं थी जो अपने बच्चों का, अपने सास ससुर का भी ख्याल रख रही थी, कोई बीमार पड़ जाए उसे काढ़ा भी पिला रही थी, और साथ में दिन रात लेबोरेटरी में काम करते हुए वैक्सीन भी बना रही थी। पिछले 2 साल से निरंतर हम उनके साथ काम करके रिसर्च कर रहे हैं। अब वो रिसर्च खत्म हुआ है, और वो मेरी अगली फिल्म है जो अगले साल 15 अगस्त में होने वाली है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।